Good morning students, our today's topic of chapter market is agricultural cooperatives. तो last class में हमने देखा था market क्या होता है और कौन कौन सी problems farmer face करते हैं. आज हम discuss करेंगे agricultural cooperatives की. तो agricultural cooperative is an organization of farmer where the farmer pools in their resources in certain area of activity. Agricultural cooperative एक organization है farmers के लिए जहाँ पे farmer क्या करते हैं सर्टेन एक्टिविटी के लिए वहाँ पे आते हैं और इस कोऑपरेटिव को हम फार्मर कोऑपरेटिव कहते हैं. ये फार्मर कोऑपरेटिव जो होता है ये इसका टू टाइप्स है. एक प्राइमरी जिसको हम एग्रीकल्चरल सर्विस कोऑपरेटिव कहते हैं और सप्लाई कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव. सप्लाई कोऑपरेटिव का काम होता है provide their member with information regarding agricultural production like seed, chemical, fertilizer, fuel and machinery. And there are producers cooperative society which help smaller producers by supplying raw material, tool, equipment and machinery. The cooperative marketing society collect the product from the individual member and market them. देखिए इसको ध्यान से समझेंगे. पहला जो है आपका सप्लाई कोऑपरेटिव, वो क्या करता है, मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिलेटेड विद सीड, केमिकल, फर्टिलाइजर, फ्यूल, ये सारा. और जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव होता है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हेल्प करता है कच्चा माल सप्लाई करने में, टूल्स प्रोवाइड करने में, इक्विपमेंट प्रोवाइड करने में और मशीन प्रोवाइड करने में. तो ये है कोऑपरेटिव का काम. अब हम डिस्कस करेंगे होलसेलर और रिटेलर के बीच का डिफरेंस. कल हमने होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट पढ़ा था, आज हम होलसेलर और रिटेलर कौन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे. तो देखिए दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट में. तो गुड्स प्रोड्यूस होता है फैक्ट्री में और फैक्ट्री से गुड हमारे तक यानी कंज्यूमर कस्टमर तक कैसे पहुँचता है ये देखना होलसेलर और रिटेलर का काम है. तो होलसेलर एक लिंक बना के रखता है प्रोड्यूसर जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर जो गुड को कंज्यूम कर रहा है खरीद के यूज कर रहा है. तो होलसेलर यहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज में गुड डील करता है. मैंने आपको लास्ट डे भी बताया था कि बल्क में गुड्स को खरीदता है. तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट मनी का इन्वेस्ट करता है और गुड्स को स्टोर करके वेयर हाउस या गोडाउन में रख लेता है और जब कभी प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी उसको अवेलेबल है तो वो इस तरह से ही काम करता है. तो ऑफ सीजन में भी उसके पास गुड्स रहता है. जैसे मान लीजिए गुड्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है लेकिन उसके पास है तो वो क्या करेगा, वो उसको रिटेलर को बेच सकता है. अब जैसे मान लीजिए अभी विंटर है तो अब कंज्यूमर क्या सॉरी होलसेलर क्या करेगा, समर के लिए भी कपड़े पहले से खरीद के स्टोर करके रख लेगा कि समर सीजन आएगा तो फिर तो रिटेलर उसके पास से खरीदेगा ही. तो होलसेलर अपना फीडबैक शॉपकीपर से लेता है और वो उसके चॉइस और प्रेफरेंस के हिसाब से चीज़ों के स्टॉक करके रखता है और फिर वो इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चरर को कि मार्केट में कस्टमर को क्या चाहिए, क्या डील डिमांड है उनका, उस पर वो करके गुड्स को प्रोड्यूस करवाएगा. फिर होलसेलर यहाँ पे स्कार्सिटी को भी अवॉइड करता है फूड आइटम का. जैसे कोई इमरजेंसी हो गया, फ्लड आ गया, तो ट्रांसपोर्ट का स्ट्राइक हो गया तो ये डायरेक्टली फूड को मतलब बेच तो सकता है ना होलसेलर ये रिटेलर को. यहाँ पे फिर होलसेलर कुछ गलत अनफेयर मीन्स भी प्रैक्टिस करता है जैसे होर्डिंग या फिर हम ब्लैक मार्केटिंग कहेंगे, जहाँ पे वो क्या करता है गुड्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक करके रख लेता है और अगर मार्केट में फिर वो गुड का शॉर्टेज हो जाता है तो फिर जब उसका डिमांड होता है तो वो ज़्यादा दामों पर उसको बेचता है. तो ये ब्लैक मार्केटिंग कहलाता है. अब रिटेलर एक ऐसा पर्सन है जो कि होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में लिंक बनाता है. रिटेलर कैटर टू द मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर. रिटेल शॉप्स आर लोकेटेड इन इजली एक्सेसिबल प्लेसेस. अब ये जो रिटेल शॉप्स होता है ये बेसिकली हमारे नेबरहुड में होता है, आसपास में, जहाँ पे हम जाके चीज़ों को खरीद सकते हैं. तो रिटेलर जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को डील नहीं करता, वो छोटे छोटे स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को बेचता है बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स होता है उसके पास, बहुत सारा गुड्स को वो एक साथ बेचता है. अब ये रिटेलर का भी टू टाइप्स है, एक है इटिनरेंट रिटेलर और दूसरा है फिक्स शॉप रिटेलर. तो इटिनरेंट रिटेलर्स जो होते हैं
इनका कोई फिक्स शॉप नहीं होता, ये अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर करके बेचते, जैसे हॉकर हो गए, वेंडर हो गए, स्मॉल होल्डर हो गए। तो ये जो है ये इटिनरेंट रिटेलर है जो कि अपने गुड्स को ऐसे कार्ट में, साइकिल पे, ये रिक्शा में या ठेला में ले लेके घूम घूम के बेचते हैं, या फिर लोकल ट्रेन्स में, बसेस में जो छोटे छोटे चीज़ों को अपने साथ कैरी करके बेचते हैं उनको हम इटिनरेंट रिटेलर कहते हैं। तो ये क्या क्या चीज़ों को बेचते हैं ध्यान से समझेंगे इसको, वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्नैक्स, क्लोथ, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ों को वो बेचते हैं। अब वीकली मार्केट एक ऐसा टाइप है इटिनरेंट रिटेलर का जो कि टेम्पररी नहीं होता, वो वीक में एक बार लगाते हैं कहीं पे सामान को बेचे, फिर अपना उठाकर सामान को सारा घर ले गए। ये बेसिकली फेस्टिवल सीजन में मार्केट लगाते हैं, या डिफरेंट कभी मेला वेला हो गया तो वहाँ पे वो अपना दुकान लगाते हैं। बहुत सारे वेंडर्स जो होते हैं वो अपने गुड्स को डिस्प्ले करते हैं स्ट्रीट पे, रोड पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे और रेजिडेंशियल कॉलोनीज पे, और ये इस तरह से वाइड रेंज ऑफ गुड्स को, जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, क्लोथ, टॉयज, प्लांट्स, अदर आइटम, फुटवेयर, ऐसे घूम घूम के जो चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं उसको हम इटिनरेंट रिटेलर कहते हैं। दूसरे हैं फिक्स शॉप रिटेलर, यानी फिक्स्ड वैसे रिटेलर जिसका शॉप फिक्स्ड है उसको हम फिक्स शॉप कहते हैं। वो आएंगे, दुकान खोलेंगे, सामान बेचेंगे, फिर चले जाएंगे, है ना। तो ये बहुत सारे हमारे मोहल्ले में आपको दुकान जो देखते हैं वो सारा फिक्स शॉप रिटेलर है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी है, शॉपिंग मॉल भी इसका एग्जांपल है। तो ये सारे डिपार्टमेंटल स्टोर का मतलब होता है कि एक ही बड़े से शॉप में छोटे छोटा हर डिपार्टमेंट का चीज़ मिल रहा है, मतलब वहाँ पे राशन भी मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है, फुटवेयर्स भी मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है। तो उसको हम या तो शॉपिंग मॉल कहेंगे या डिपार्टमेंटल स्टोर। तो ये क्या होता है, एक ही रूफ के अंदर बहुत सारे शॉप्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में बटे होते हैं। तो ये शॉपिंग मॉल हो गया। तो अभी रिसेंट में क्या हो रहा है, शॉपिंग मॉल बहुत ज़्यादा मॉडर्न मार्केट प्लेस बन गया है। एक बहुत बड़ा ह्यूज कॉम्प्लेक्स होता है, पूरा एयर कंडीशन्ड होता है, उसमें वैरायटीज ऑफ रिटेल शॉप होते हैं, यहाँ तक कि खाने का भी एक अलग कॉर्नर होता है, मूवी हॉल होता है, खेलने का एरिया होता है बच्चों के लिए। तो मॉल्स अभी बच्चे बूढ़े सब बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो एक तरह से आपको एक ही जगह पे सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ पे मस्ती कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो ये शॉपिंग मॉल अब धीरे धीरे टाउन में भी बनते जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा रिटेलर का टाइप। नेक्स्ट क्लास में क्या एक और छोटा सा टॉपिक है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि बीच में हमें होलसेलर नहीं लाना, हम क्या करेंगे गुड्स को सीधा प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच देंगे, तो वो हमारा होता है डायरेक्ट चैनल, तो उसको हम डायरेक्ट चैनल कहेंगे। तो इस तरह का जो चैनल होता है उसमें प्रोड्यूसर सेल करता है गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्टली कंज्यूमर को। जैसे मान लीजिए बाटा, बाटा एक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये क्या करता है गुड्स को खुद प्रोड्यूस करता है, अपना इसका प्रोड्यूसिंग सेंटर होता है और डायरेक्टली फिर ये हर टाउन में अपना एक रिटेल शॉप खोल देता है, मदर डेयरी, ये सारे रिटेल शॉप खोल के गुड्स को डायरेक्ट बेचते हैं। नेक्स्ट आता है पॉपुलैरिटी ऑफ मार्केट। तो अब मार्केट पॉपुलर कैसे बनेगा, फेमस कैसे होगा, तो पॉपुलैरिटी होता है मार्केट का वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। जैसे मार्केट वैसा प्लेस पे हो जहाँ पे वो कन्वीनियंटली लोगों तक पहुँच सके, उस वहाँ तक हम जा सके विदाउट एनी इनकन्वीनियंस। फिर क्या होता है, यहाँ पे वाइड रेंज गुड्स क्वालिटी का होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मार्केट को ये ध्यान रखना चाहिए कि लोगों का नीड और प्रेफरेंस क्या है। जैसे एग्जांपल, एक मिडिल लेवल इनकम जो होता है लोकेलिटी का वो बहुत ज़्यादा गुड्स, एक महंगा गुड्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वैसे ही गुड्स को प्रोड्यूस करे जो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंस है मार्केट का कि मार्केट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बाइंग एंड सेलिंग का, साथ ही साथ वो जॉब क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। सेल्समैन, क्लीनिंग स्टाफ, हेल्पर, शॉप्स, ये सारे पीपल हैं जो कि एम्प्लॉयड होते हैं मार्केट में, उनको काम मिलता है। एज मोर गुड्स एंड सोल्ड डिमांड फॉर न्यू गुड्स अकर एंड विच इन टर्न कीप फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज फंक्शनिंग एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे जैसे डिमांड होता है गुड्स का, वैसे वैसे नया नया प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किया जाता है, तो इस तरह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है फैक्ट्री में। तो ये था हमारा चैप्टर जो कि कम्प्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।